हेलो दोस्तों, हाउ यू ऑल, दिस इज अमित एंड यू आर वाचिंग फिट टेक। दोस्तों आज संडे है और आज हमारा डे है क्वेश्चन आंसर्स जो आपके द्वारा पूछे गए होंगे उनका आंसर देने का। और दोस्तों अभी सबसे बड़ी एक न्यूज़ निकल के आ रही है, तो मैंने कहा सबसे पहले आपको वही बता दूं। तो दोस्तों कल एयर इंडिया ने अनाउंस किया है कि उनके सर्वर्स पर अटैक हुआ है, हैकर्स अटैक, साइबर अटैक, जिसके अंदर पिछले लगभग 10 सालों के जो उनके डाटाज हैं, इंफॉर्मेशन है, पैसेंजर्स की जिन्होंने ट्रेवल किया है, वो सब लीक हो गए हैं। दोस्तों बहुत बुरी खबर है दोस्तों, उनके सारी की सारी पर्सनल डिटेल्स लीक हो चुकी हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड की हो, आपकी जो पर्सनल आईडी यूज़ की गई हो जिससे आपने चेक इन किया हो, पासपोर्ट की डिटेल्स, टिकट की डिटेल्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन में और आपके कॉन्टैक्ट, जिस जो नंबर्स, फ़ोन नंबर्स आपने यूज़ किए, ईमेल आईडीज, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह। तो दोस्तों लगभग सारी की सारी आपकी कुंडली जो है ना वो हैक हो चुकी है। और ये सारा कुछ हुआ है, बताया गया है कल एयर इंडिया की तरफ से अनाउंस किया गया है। और जितने कस्टमर्स ने पिछले 10 सालों तक एयर इंडिया से ट्रैवल किया है उन सबको ईमेल्स वगैरह गए हैं, और उन ईमेल्स में कहा गया है कि जो डिटेल्स हैं वो गई हैं, लेकिन जो क्रेडिट कार्ड पर या डेबिट कार्ड पर सीवीसी नंबर्स होते हैं जिनसे हम वेरीफाई करते हैं कार्ड को, वो नंबर्स लीक नहीं हुए हैं। तो उन्होंने एक और चीज़ कही है कि जो डाटा पासवर्ड प्रोटेक्टेड था वो डाटा लीक नहीं हुआ है। तो दोस्तों अब पता नहीं एग्जैक्टली कितना डाटा गया या नहीं गया। वैसे जो उन्होंने न्यूज़ के हिसाब से बताया है उसके अकॉर्डिंगली 45 लाख, जी हाँ दोस्तों 45 लाख पैसेंजर की डिटेल्स गई हैं। इट इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। तो आप सभी समझ सकते हैं कि ये डाटा किन हाथों में गया है, काफ़ी गलत इस्तेमाल हो सकता है इस डाटा का। देखा जाए तो ये डाटा सच में यूजफुल है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, हैक हो चुका है। तो इसके लिए ईमेल्स वगैरह आ रहे हैं उनकी तरफ से, और जो एयर इंडिया के हेड हैं जतिन जैन जी, उन्होंने भी कल कहा है, ट्वीट किया है और लोगों को बताया है कि उनके जो सर्वर्स हैं वो हैक हो चुके हैं। इन्होंने बेसिकली कहा है कि जो इनके पार्टनर्स हैं सीता SITA, ये एक शॉर्ट फॉर्म है, वैसे फुल फॉर्म कुछ और है, उनके जो सर्वर्स वगैरह हैं उसमें सारा डाटा रखा जाता है, और उस उनके जो सर्वर हैं उन पर अटैक हुआ है और उनके सर्वर से ये सारा डाटा हैक हुआ है, चोरी हुआ है। दोस्तों काफ़ी बड़ी न्यूज़ है ये, आपको पता चली थी पहले या नहीं पता चली थी मुझे पहले बताइएगा ज़रूर। और आप में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने एयर इंडिया से ट्रैवल किया था इन 10 सालों के बीच में? डेट बताई गई है दोस्तों अप्रैल से लेके 2011 अप्रैल से लेके फरवरी 2021। और हाँ एक दोस्तों एक बात सामने आई है, ये जो डाटा लीक हुआ है ये 3 फरवरी 2021 को हुआ था। इसका मतलब हमें लेट बताया जा रहा है, अनाउंसमेंट लेट की जा रही है कि आपका डाटा लीक हो चुका है। और एक चीज़ निकल के सामने आ रही है दोस्तों, जो पार्टनर हैं SITA सीता एयर इंडिया के, उन्होंने 25 फरवरी 2021 को ये नोटिस भेजा था, ये बताया था एयर इंडिया को कि इनका डाटा जो है वो लीक हो गया है, इनके सर्वर्स हैक हो गए हैं। ये बहुत लंबा टाइम है दोस्तों, इतने लंबे टाइम के बाद आपको बताया जा रहा है कि आपका डाटा लीक हो चुका है, काफ़ी दिक्कत वाली बात है दोस्तों। ये तो सच में आपका डाटा लीक हो चुका है, हैकर्स के पास आपकी सारी बैंक डिटेल्स, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आईडी, और सबसे बड़ी आईडी दुनिया में मानी जाती है पासपोर्ट, और उसी को लीक कर दिया गया है, तो बहुत दिक्कत वाली बात है दोस्तों। बाकी दोस्तों ये तो सबसे बड़ी पहली न्यूज़ है, आपको अपनी प्रोटेक्शन के लिए बैंक वगैरह से बात करनी चाहिए, कोशिश करिए, उन्हें कहिए कि जो स्पेसिफिक आपको ऐसी कोई ट्रांजेक्शन लगती है जो सस्पिशियस सी लगती है, स्कैम लगती है, वो ना होने दें, और बैंक से बात करें कि अगर कोई ट्रांजैक्शन आती है होने के लिए आपके अकाउंट से
जिनको नोटिस आए हैं, तो वो लोग ऐसा करें कि बैंक पहले उन्हें कांटेक्ट करे और उसके बाद ही कोई ट्रांजैक्शन करें, कंफर्म करने के बाद कि उन्होंने कहा है नहीं कहा है, ट्रांजैक्शन की है या नहीं की है। बाकी दोस्तों ये तो आपको बैंक ही हेल्प कर सकता है आपकी बैंक डिटेल के लिए, और पासपोर्ट डिटेल के लिए तो आपको सिर्फ पासपोर्ट ऑफिस और गवर्नमेंट ही हेल्प कर सकती है कि आपके पासपोर्ट नंबर वगैरह चेंज किए जाएं, किसी तरीके से आपकी जो सिक्योरिटी है उसको हाई किया जाए। पहली न्यूज़ तो दोस्तों यही है। दूसरी न्यूज़ दोस्तों जो गेमर्स हैं, स्ट्रीमर्स हैं, उनके लिए है। जो पबजी मोबाइल इंडिया आने वाली थी, मतलब वो उसका नाम चेंज किया गया है, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया BGMI, अजीब सा नाम लग रहा है दोस्तों। ये जो दोस्तों नाम इसका बनाया गया है, ये गेम कहा जा रहा था पहले 9th of June 2021 को आने वाला था, लेकिन ये जो डेट निकल के आई थी, ये स्ट्रीमर्स वगैरह से जो जो क्राफ्टन के कांटेक्ट में हैं उनमें से किसी ने कहा था या किसी तरह से लीक होकर आई थी, और क्राफ्टन ने कल ये क्लियर कर दिया कि वो लोग 18th of June से पहले गेम लॉन्च नहीं करने वाले। तो ये डिले हो गया है गेम जो आने वाला है। और दोस्तों मुझे ये ऐसा लग रहा है पर्सनली कि हो सकता है क्राफ्टन 9th of June से लेके 18th of June के बीच में गेम को लॉन्च कर दे, लेकिन वो एग्जैक्ट डेट नहीं बताना चाहता, इसलिए जो है वो ऐसी उसने डेट बता दी है कुछ भी मन से। बाकी आप लोगों ने प्री रजिस्ट्रेशन किया है या नहीं किया, और अगर नहीं किया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप जाके कर लीजिए। और बारी आती है हमारे FTQNA, #FTQNA की। ये फिट टेक क्वेश्चन एंड आंसर का पहला एपिसोड, और दोस्तों मुझे बड़े दुख हो रहा है कि आप लोगों में से किसी एक ने भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। दोस्तों मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ, आपने क्वेश्चन नहीं पूछे हैं तो नहीं पूछे हैं। तो एक पर्सनली मुझे कोई मेरे जान पहचान के मिले थे, दोस्ती हैं मेरे, उन्होंने मुझे कहा था कि जो मेरी वीडियोस हैं वो 360p पर चल रही हैं, 360p क्वालिटी यूट्यूब पर। यूट्यूब पर जैसे मैक्सिमम क्वालिटी होती है हमारी 1080 या उससे नीचे होती है 720, तो ऐसे ऐसी क्वालिटीज होती है, तो जो मेरी वीडियोस बनती हैं वो 720p पर बनती हैं। तो उन्होंने मुझे आके ये कंप्लेंट की कि आपकी वीडियो जो है वो लो क्वालिटी में बनती है, हाई क्वालिटी में नहीं बनती है। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरी क्वालिटी जो है वो 720p है। तो उन्होंने कहा कि मैंने काफ़ी चेक किया लेकिन पता नहीं चला है। तो अब मैं आपको, जिनको नहीं पता है कि यूट्यूब ने काफ़ी कुछ चेंजेस किए हैं यूट्यूब में, तो मैं आपको अपने फ़ोन में लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे आप चेंजेस करके 720p अपनी क्वालिटी को कर सकते हैं मेरी वीडियो की। मेरी क्या, किसी की भी वीडियो जो आ रही है जितनी उसकी मैक्सिमम क्वालिटी है वो आप वहां तक लेके जा सकते हैं। और बाकी जो है आप, अभी मैं आपको फोन में ले चलता हूँ, आप देखिए और समझ लीजिए। और उसके बाद मैं आपको एक और चीज बताऊंगा यूट्यूब के बारे में कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हम जब वीडियो चलाते हैं तो वो लो क्वालिटी पे चलती है, हाई क्वालिटी पे नहीं जा रही है। तो ये यूट्यूब की तरफ से कुछ किया गया है, मैं आपको बताता हूँ, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए उसके बाद। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं मैं आपको अपने फ़ोन की स्क्रीन पे ले आया हूँ, और अभी मैं आपको अपना यूट्यूब दिखा देता हूँ। और ये देखिए प्री रजिस्ट्रेशन पहले ही आ गया, प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट्स ऑन 18th में। आपने नहीं किया है दोस्तों तो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। और दोस्तों जो मेरी सारी वीडियोज़ हैं उन सबका लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूँ, आई बटन में जाके ज़रूर देखिएगा। और ये देखिए दोस्तों अभी मेरी वीडियो चलेगी, ये देखिए दोस्तों ये अभी लो चल रहा है, अभी ये आपको चल रही है। मैं एक मिनट अपना थोड़ा कम कर लेता हूँ, मेरी जो आवाज़ है वो दब जाएगी नहीं तो। दोस्तों आप देख सकते हैं ये वीडियो चल रही है, और यहाँ पर जो है 3 डॉट्स बने हुए हैं, ये मैंने क्लिक किया। आपको मैं एक बार इस पर दिखा देता हूँ मार्क करके। यहाँ पर ये एकदम से उड़ जाता है, चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों क्वालिटी यहाँ पर लिखी हुई है, आप देख सकते हैं 360p यानी कि 360। और अब हम चल जाते हैं, ये देखिए दोस्तों ऑटो
हाई पिक्चर क्वालिटी, डाटा सेवर और एडवांस्ड। तो हमें दोस्तों एडवांस में जाना है। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर है हमारी 720p। मैं दोबारा सर्कल कर देता हूँ इसे। ये देखिए दोस्तों 720p आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसे ही सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये देखिए 720p विल अप्लाई टू योर करंट वीडियो। तो अभी जो है ये देखिए क्वालिटी 720p आ गई है, ये देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो है आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं एकदम क्लियर हो गया। बस ऐसे ही दोस्तों आपको करना पड़ेगा। अगर आपको क्वालिटी जो है 360p पर मिल रही है या 480p पर मिल रही है और उसको आपको हाई क्वालिटी पे देखना है, तो आप उसे ऐसे करके सिलेक्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं मैं आपको जो बताने वाला था उसके ऊपर। तो दोस्तों आपने अभी देख लिया है कि मैंने कैसे आपको बता दिया है जो 360p है और 720p है। वैसे दोस्तों मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा था कि जो हम YouTube पे क्वालिटी देखते हैं उसमें लिखा होता है 144p, 240p, उसके बाद आती है 360p, उसके बाद 720p, उसके बाद नहीं सॉरी उसके बाद पहले आती है 480p, उसके बाद आती है 720 और उसके बाद आती है 1080p। तो दोस्तों ये जो पी है लास्ट में, इसका मतलब पता है आपको? नहीं पता है ना, तो चलिए मैं ही बता देता हूँ। पी का मतलब होता है पिक्सल्स। हमारा जो कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है उसके मैक्सिमम कितने पिक्सल पर जो वीडियो है वो रिकॉर्ड हो रही है, तो वो वही होता है और कुछ नहीं होता है। जो मेरी वीडियोज़ होती हैं वो 720 पिक्सल्स पर हम कैप्चर करते हैं और उसके बाद यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि यूट्यूब ने कुछ पिछले साल किया था। YouTube ने दोस्तों पिछले साल 22nd मार्च को दोस्तों हमारे इंडिया में लॉकडाउन हुआ था और उसके कुछ दिनों के अंदर अंदर ही लगभग पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो चुका था। दोस्तों उस टाइम क्या हुआ, अप्रैल से लेके जब हम सॉरी मार्च से लेके जब हम अप्रैल में एंटर किए, अप्रैल में कह दिया गया कि आप सारे काम ऑनलाइन करो। उसमें क्या हुआ, हमारी जो स्टडीज़ हैं सारी ऑनलाइन हो गई, हमें कॉलेज के काम ऑनलाइन आ रहे हैं, आज भी हमारे लेक्चर ऑनलाइन ही चल रहे हैं और क्लासेस वगैरह स्कूल्स में ऑनलाइन हो गई। जो पब्लिक ऑफिसेज हैं मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वगैरह के, उनके ऑफिस में भी ज़्यादातर काम गवर्नमेंट में उसमें कर दिया है, ऑनलाइन ही कर दिया है। स्टाफ जो बहुत कम कर दिया गया, प्राइवेट में भी काफ़ी जगह ऐसा किया गया है कि जो सारा काम है वो ऑनलाइन कर दिया जाए। तो ऑनलाइन में क्या हुआ कि सारा का सारा लोड पड़ गया एकदम से और हमारा जो नेटवर्क सिस्टम है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है कि एकदम से इतना लोड सह पाए। क्योंकि पहले क्या होता था, नॉर्मली हम कॉलेज में हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो उस टाइम पे इंटरनेट आराम से चल रहा होता है। जब हम रात में चलाते हैं तो आपने देखा होगा कि एकदम से जो हमारी इंटरनेट की स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि उस टाइम सब घर पे होते हैं और चला रहे होते हैं। लेकिन जब नॉर्मल टाइम होता था तो उसमें हम स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, ऑफिस जाते थे या अपना जहाँ भी गए हुए हैं वहाँ पर हम लोग इंटरनेट का यूज़ नहीं कर रहे, तो वहाँ पर जो है इंटरनेट हमारा बहुत अच्छा स्मूथली चल रहा था। लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से क्या हुआ कि सभी लोग जो हैं वो इंटरनेट पर आ गए और इंटरनेट का जो स्पीड है वो कम हो गई, क्योंकि उस पर स्ट्रेस पड़ गया, उस पर जो है हमारा हमने बोझ डाल दिया एक तरह से कि एकदम से सभी लोग आ गए, क्योंकि सबको अपना अपना काम करना था, टीचर्स को पढ़ाना है, स्टूडेंट्स को पढ़ना है, ऑफिस में कहीं ना कोई रिपोर्ट बना के पेज अपने डिपॉजिट करनी है, और यहाँ तक कि हमारी जुडिशरी सिस्टम है वो भी बहुत जो है लंबा चला है ऑनलाइन ही। सारी की सारी सुनवाई वगैरह ऑनलाइन हो रही थी, यहाँ सुनने में अजीबोगरीब किस्से मिल रहे थे कि वकील ने कच्छे में ही पहन के हमारी जो है सुनवाई शुरू कर दी और फिर जज से डांट खाई, ऐसी न्यूज़ आ रही थी पिछले कुछ दिनों में। तो अजीबोगरीब से किस्से हो रहे थे ऑनलाइन में। तो उस वजह से क्या हुआ, YouTube ने अनाउंस कर दिया कि जो ऑटोमेटिक हमारी चलती है वीडियो, जब हम वीडियो पर क्लिक करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो है आपकी क्वालिटी जो है वो 360 या फिर 480 पिक्सल पर ही सेट रहेगी। आप उसको अपनी मर्जी से ऊपर नीचे कर सकते हो, वो आपके इंटरनेट पर डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट की स्पीड कितनी है, लेकिन वो स्मूथली चल पाए ताकि आपको बिना इंटरप्शन के जो वीडियो है वो मिलती रहे, इसलिए उन्होंने जो है
ये कम कर दी क्वालिटी। पहले जब हम वीडियो को चलाते थे तो वो 720p और फिर उसके बाद 1080p पे चली जाती थी, बस एक आध मिनट लगता था और 1080p पे चली जाती थी और वीडियो एकदम हाई क्वालिटी पे आपको दिखाई देती थी एकदम बढ़िया। लेकिन आज की डेट में क्या हुआ है, 360p पे या फिर 480p पे ही आपको वीडियो मिलती है। तो इसका बेसिक रीज़न यही हुआ कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन की वजह से इंटरनेट पे स्ट्रेस बढ़ गया, बोझ बढ़ गया है, और उसकी वजह से जो है हमारी स्पीड और उसकी क्वालिटी सारी की सारी लो हो गई है, धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो रहा है दोस्तों। 5G को इसीलिए ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है क्योंकि 5G जो है वो ज़्यादा जो हमारा हम कह सकते हैं कि वो स्पीड में चलेगा, उसकी जो है स्ट्रेंथ, उसकी कैपेसिटी बढ़ा दी जाएगी, इसीलिए जो है 5G पर जोर दिया डाला जा रहा है कि 5G आए जल्दी से जल्दी और हमारा जो ये सिस्टम रुका पड़ा है या फिर बहुत ही डाउन हुआ पड़ा है वो एकदम से नॉर्मल पे आ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक मैं आपको बात बता दूं, आप लोग क्वेश्चन जरूर पूछा करिए, टैक्स से रिलेटेड हो, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड हो, या आपकी कोई ऐप के रिलेटेड हो, आपके PC से रिलेटेड हो, लैपटॉप से, कोई चक्कर नहीं है, पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको आंसर दे पाऊँ। और दोस्तों आज मैं टॉप कमेंट्स नहीं डालूंगा क्योंकि आज संडे है और संडे की वीडियो मैंने बनाई थी #FTQNA के लिए, तो क्वेश्चन आंसर तो आपके आए ही नहीं है, मतलब आपके कोई क्वेश्चन आए ही नहीं है, तो जो टॉप कमेंटर्स हैं कल की वीडियो के ऊपर वो कल यानी कि मंडे को जो वीडियो आएगी उसके अंदर शो होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम।